अगर हम ओडिशा ट्रेन इंसिडेंट की बात करें तो रेलवे ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट है, दूसरी तरफ ओडिशा जैसा ट्रेन इंसिडेंट होना काफ़ी सीरियस मैटर है बिकॉज ये हमें बताता है कि वेयर वी स्टैंड। 1853 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में फर्स्ट रेलवे स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस किया। देखिए, इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क में सिर्फ फोर्थ नंबर पर आता है, जिसमें रोजाना अप्रॉक्सीमेटली 12,000 से भी ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन चलाई जाती हैं और इन पैसेंजर ट्रेन में नियर अबाउट 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रोजाना ट्रेवल करते हैं। अब दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें इंडियन रेलवे नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज नंबर पर, तो वो काफ़ी पीछे आता है। पूरे वर्ल्ड में इंडियन रेलवे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज खाली 28th नंबर पर आता है और ये जो रैंकिंग है ये दी गई है दी ग्लोबल इकोनॉमी .com वेबसाइट की तरफ से। देखिए, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है उस कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जितना ज़्यादा किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उतना ही ज़्यादा वो कंट्री डेवलप करेगी हर एक चीज़ में। बट इंडिया जैसे देश में यहाँ पर हमारा रेलवे नेटवर्क जो 68,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, वहाँ पर टाइम के साथ ही इसकी क्वालिटी को बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं किया गया। आज के टाइम पर भी हम वही क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं जो हम इस रेलवे नेटवर्क के शुरू होने पे यूज़ कर रहे थे। इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी बड़े चेंजेस हुए, फिर चाहे वो इंडियन पॉपुलेशन का बढ़ना हो या इंडियन इलेक्ट्रिसिटी का प्राइवेटाइज होना, इंडिया हर एक चीज़ में आगे बढ़ रहा था एक्सेप्ट मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाने के अलावा। और अगर हम 2023 के डाटा के हिसाब से बात करें तो इंडिया नंबर 1 पोजीशन पर आ रहा था वर्ल्ड पॉपुलेशन रैंकिंग के हिसाब से। पर स्टिल हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी फिलहाल हम हर एक चीज़ में, चाहे फिर वो रेलवे क्वालिटी की बात हो या रेलवे कंफर्ट की बात हो, हम उसमें पीछे थे। उसके क्या रीज़न हो सकते हैं? तो देखिए, 1853 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में फर्स्ट रेलवे स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस किया, जिसके बाद विद इन नेक्स्ट 70 ईयर्स उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 54,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क बिल्ड कर दिया। बट स्टिल इंडिपेंडेंस के 69 ईयर्स होने के बाद भी हमारे इंडिया वाले सिर्फ 10,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क बिल्ड कर पाए थे 2016 तक। तो इससे आप क्या समझते हैं? और साथ ही में इंडियन रेलवे नेटवर्क में 1912 में पंजाब मेल को ऐड किया गया था और 1930 में गोल्डन टेम्पल मेल को ऐड किया गया था, जो आज भी हमारे रेलवे नेटवर्क का हिस्सा है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि हमारे इंडियन रेलवेज की स्टिल क्या कंडीशन है। दूसरी तरफ बात करें तो इंडियन रेलवे नेटवर्क का सालाना रेवेन्यू है 2,40,000 करोड़, यानी कि 30 बिलियन USD, और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। और दूसरी तरफ ओडिशा जैसा ट्रेन इंसिडेंट होना काफ़ी सीरियस मैटर है बिकॉज ये हमें बताता है कि वेयर वी स्टैंड। तो आज की इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि क्या इंडियन रेलवे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सेकंड चीज़ हम बात करेंगे कि कवच एक्चुअली में है क्या। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे ओडिशा ट्रेन इंसिडेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि क्या हमारे इंडियन रेलवे को मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है या हमारा इंडियन रेलवे पहले का ही फुली डेवलप्ड है। देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन तो अराउंड 162 बिलियन की है, जो वर्ल्ड में नंबर 1 पर लाती है इंडिया को, और इंडिया वर्ल्ड में मैन पावर के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो उस देश में ट्रांसपोर्टेशन को टाइमली अपडेट करना काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है इंडियन इकोनॉमी में। उसकी अगर बेस्ट एग्जांपल देखे जाए तो वो है USA, जिसका रेलवे नेटवर्क तो अप्रॉक्सीमेटली 2,50,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, बट जिसमें से सिर्फ 20% यानी कि 35,000 किलोमीटर ही पैसेंजर्स के लिए यूज़ किया जाता है, और बाकी का जो 80% रेलवे नेटवर्क है वो सिर्फ और सिर्फ फ्राइट एंड कैरेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसके कारण USA अपना टाइम और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दोनों को दोनों इजीली डिक्रीज करने में सक्सेसफुली आज तक कामयाब है। इसी चीज़ के ऊपर आई गेस इंडिया को भी देखना चाहिए और इस चीज़ को अपने देश में भी इम्प्लीमेंट करके इस चीज़ को और इम्प्रूव करना चाहिए। और साथ ही में इंडियन रेलवे के ट्रैक्स भी काफ़ी पुराने हो चुके हैं, शायद इसीलिए रिसेंटली 2018 में जब एक सर्वे कंडक्ट किया गया तो उसमें पता चला कि सिर्फ 5% इंडियन रेलवे ट्रैक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाई जा सकती है, और सिर्फ 0.3% रेलवे ट्रैक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाई जा सकती है। इन ट्रैक्स को टाइम के साथ खाली रिपेयर किया गया है, ना कि इन्हें अपग्रेड किया गया है और ना ही इन्हें चेंज किया गया है। और साथ में अगर हम बात करें बाकी देशों की, तो वहाँ पर टाइम के साथ ही पुराने इंजन्स को अबैंडन कर दिया जाता है, बट इंडियन रेलवे सिस्टम में आज भी कुछ ऐसे इंजन्स हैं जिनको हम स्टिल यूज़ कर रहे हैं, बट उन्हें काफ़ी टाइम पहले ही अबैंडन कर देना चाहिए।
और साथ ही में वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क होने के बाद भी इंडिया की जो फास्टेस्ट ट्रेन हैं जिनका नाम है गतिमान एक्सप्रेस और वंदे भारत, उनकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिनको रिकॉर्ड किया गया था 2022 में। बट अगर दूसरी तरफ देखा जाए वर्ल्ड की जो फास्टेस्ट ट्रेन है जिसका नाम है फ्रेंच TGV, उसकी टॉप स्पीड 574 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो रिकॉर्ड की गई थी 2007 में। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया इस ट्रेन से स्पीड में 3 गुना और टाइम में 15 साल पीछे है। हालांकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो रिसेंटली इंडियन रेलवेज ने काफ़ी रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं, फिर चाहे वो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ट्रैक बनाना हो या फिर 2020 में 808.6 करोड़ लोगों को कैरी करना, और 2020 में 1418 मिलियन टन का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो इस डाटा के हिसाब से आप लोगों को क्या लगता है, क्या इंडियन रेलवे कभी वर्ल्ड में नंबर 1 की पोजीशन पर आ पाएगा या नहीं? तो दूसरे नंबर पर अब हम बात करेंगे कि आखिर कवच द प्रोटेक्टर है क्या। देखिए, इंडियन रेलवे इंसिडेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो सबसे डेडलीस्ट रेलवे एक्सीडेंट हुआ था वो हुआ था 1981 बिहार में, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 750 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। अब इन रेलवे एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने के लिए रिसेंटली हमारे रेलवे मिनिस्टर मिस्टर वैष्णव ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम है कवच। तो कवच एक्चुअली में है क्या? तो कवच, जिसका मतलब है आर्मर या फिर वो चीज़ जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है, एक्चुअली में एक एंटी कोलिजन सिस्टम है जिसे डेवलप किया गया है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए, ताकि वो जीरो एक्सीडेंट्स का टारगेट अचीव कर सकें। कवच को आज तक का सबसे सस्ता ऑटोमेटिक कोलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम माना जाता है, जिसके अंदर हम 50 लाख प्रति किलोमीटर की कॉस्ट के हिसाब से इसे पूरे देश में इंस्टॉल कर पाएंगे, जो बाकी देशों के कंपैरेटिवली सबसे सस्ता माना गया है। और साथ ही में ये टेक्नोलॉजी सेफ्टी इंटीग्रेटेड लेवल 4 सर्टिफाइड है, जिसका मतलब ये है कि इसके गलत होने के चांसेस सिर्फ 10,000 सालों में एक बार हैं। अब हम सब लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर कवच काम कैसे करता है। कवच हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन को यूज़ करता है और साथ ही ये ऑपरेट करता है कॉन्टीन्यूस अपडेट ऑफ मूवमेंट के प्रिंसिपल पर। इसका मतलब ये है कि कवच कॉन्टीन्यूसली अपडेट्स लेता रहता है हर एक ट्रेन का, और जब दो ट्रेन बिल्कुल ही नज़दीक आ चुकी हों तो ये ऑटोमेटिकली सेल्फ में खुद ही ब्रेक अप्लाई कर देता है दोनों ट्रेन के, जिसके कारण कोलिजन होने से रुक जाता है। और जो RFID के टैग्स इन ट्रैक्स स्टेशन और सिग्नल्स पर लगाए गए हैं, ये हेल्प करते हैं ट्रेन्स को अपनी लोकेशन को ढूंढने के लिए। और साथ ही में इन केस अगर एक सिंगल ट्रैक होगा और वहाँ पर काफ़ी ट्रेन्स होंगी पास करने के लिए, तो कवच एक्चुअली में 5 किलोमीटर के रेडियस में सब ट्रेन्स को रोक देगा और 1 by 1 अलो करेगा इन ट्रेन्स को उस ट्रैक से पास करने के लिए। कवच की मदद से ट्रेन के इंसिडेंट्स काफ़ी हद तक कम होने वाले हैं, और 2022-23 में इसकी टेस्टिंग की गई थी इंडिया के 2000 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर। और कवच की टेस्टिंग के दौरान दो फास्ट मूविंग ट्रेन्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाया गया था एक दूसरे के, जिसमें से एक ट्रेन में तो हमारे इंडिया के रेलवे मिनिस्टर बैठे हुए थे और दूसरी ट्रेन में रेलवे के चेयरमैन बैठे हुए थे। बट सक्सेसफुली कवच ने इन दोनों ट्रेन को 380 मीटर की दूरी पर ही रोक दिया था ब्रेक्स को एंगेज करके। अब तीसरे नंबर पर हम सब लोग बात करेंगे ओडिशा ट्रेन इंसिडेंट के बारे में। देखिए, इंडियन रेलवेज में रोज़ाना अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, तो इन शॉर्ट इंडियन रेलवेज के ऊपर इन 2 करोड़ लोगों की लाइफ की भी जिम्मेदारी बनती है, और इसीलिए इंडियन रेलवेज के ऊपर काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अगर हम बात करें कि क्या सिर्फ ट्रेन्स को मॉडर्नाइज करने से कुछ होगा, तो नहीं, ट्रेन्स को ही मॉडर्नाइज करने से कुछ नहीं होगा, हमें इन ट्रैक्स को भी मॉडर्नाइज करके अपग्रेड करना पड़ेगा, इन ट्रैक्स को कवर करना पड़ेगा ताकि कोई भी इसके बीच में आके कोई भी इंसिडेंट ना हो पाए। अब अगर हम ओडिशा ट्रेन इंसिडेंट की बात करें तो रेलवे ऑफिशियल्स का कहना ये था कि बाहनगा बाजार स्टेशन में 4 ट्रैक्स है, जिसमें 1st and 4th ट्रैक पे 2 गुड्स ट्रेन्स पार्क थी, बट 2nd and 4th ट्रैक में 2 ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शंस पर चल रही थी, जिसका नाम था कोरोमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा एक्सप्रेस। बट ऐसे चलते हुए ही कोरोमंडल एक्सप्रेस डीरेल हो जाती है, जिसके कारण इसके 21 के 21 कोचेस भी डीरेल हो जाते हैं और ये गुड्स ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है, और इसके कुछ कोचेस जो हैं वो हावड़ा एक्सप्रेस के 2 कोचेस को बचते हैं, जिसके कारण हावड़ा एक्सप्रेस भी डीरेल हो जाती है। और इस एक्सीडेंट के कारण अप्रॉक्सीमेटली 285 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और 900 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं। इस एक्सीडेंट के बाद एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है जिसको अप्रॉक्सीमेटली 18 घंटे लगते हैं,
और साथ ही में अगर हम रेलवे ऑफिशियल्स की बात करें तो किसी का कहना ये है कि सिग्नल के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है, और किसी का कहना ये है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के चेंज होने के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। एट द एंड इस वीडियो में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया जैसे बड़े देश में हर एक चीज़ को मॉडर्नाइज एंड डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन साथ ही साथ बढ़ रही है, वहीं पर हमें रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज करके डेवलप करने की ज़रूरत है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।